हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है वो है जालक, जिसको हम बोलते हैं लेटिस। जो नया टॉपिक हमारे पास में है इसका नाम है जालक लेटिस। बूलियन एल्जब्रा की तरह ही ये भी काम करता है। जैसे अपन पहले बूलियन एल्जब्रा के लिए जो डेफिनेशन देखे थे, तो डेफिनेशन से पहले अपन बूलियन एल्जब्रा के लिए स्ट्रक्चर वाला काम किए थे, और स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर अपन ये डिफाइन किए थे कि बी तो बूलियन अलजेब्रा के कारण, फिर दो ऑपरेशन, एक पूरकता, और फिर साथ में दो विशेष अवयव जीरो और वन। ये था आपके पास में बूलीय बीजगणित के लिए। आज अपन बात करेंगे जालक के लिए। तो जालक का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो प्लस वाला पार्ट है इसको अपन इस तरीके से दिखाते हैं, जिसका नाम होता है वियोजन, और जो डॉट वाला पार्ट होता है इसको अपन इस तरीके से दिखाते हैं, इसका नाम होता है संयोजन। और जालक का जो उच्चक मान होता है वो तो होता है वन, और जालक का जो निम्नक मान होता है वो होता है जीरो। यानी इस जालक वाले को जो अपन डिफाइन करते हैं वो लेटिस एल ऑपरेशन प्लस और डॉट का काम करता है ये वाला पार्ट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ही करता है। और जालक के लिए जो उच्चक मान होता है वो होता है वन, और जालक के लिए जो निम्नक मान होता है वो होता है उसमें क्या, जीरो। ये होता है किसके लिए, जालक वाले पार्ट के लिए। वही सारे सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं। सबसे पहले कौन सा, क्रम विनिमय नियम होना चाहिए। क्रम विनिमय नियम के बाद में बंटन नियम का पालन करना चाहिए। बंटन नियम पालन करने के बाद में फिर कौन सा नियम करवाओगे, पूरकता नियम, और फिर कराओगे तत्समक। लेकिन तत्समक में काम करते हैं यहाँ पे क्या, पहले था वहाँ पे गुणन तत्समक और योग तत्समक, अब यहाँ पे होगा जालक का उच्चक मान और जालक का निम्नक मान, ये दोनों दोनों पार्ट होगा। तो ये इस तरीके से अपन डिफाइन करते थे बूलियन अलजेब्रा के लिए, और अब इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और इन सब में जो जालक में जो उच्चक मान होता है जालक के लिए वो क्या होता है, उसमें उच्चक मान, उच्चक मान वो तो होता है वन, और निम्नक जो मान होता है आपका उसमें जालक के लिए वो होता है जीरो। ये किसके लिए होता है, उसमें जालक वाले पार्ट के लिए। ठीक है, आ जाओ इस पे थ्योरम वाले पार्ट पे चल रहे हैं अपन। थ्योरम है हमारे पास में, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, माना बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट जीरो वन एक बोलिए बीजगणित है, एक बोलिए बीजगणित है माना एक ये स्ट्रक्चर पूरा एक बोलिए बीजगणित है, तब बी, और ये रिलेशन, और ये रिलेशन भी पता है आपको कि अगर ए रिलेशन बी होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो। ये काम होता है इस रिलेशन वाले पार्ट के, संबंध जिसको बोलते हैं अपन, जहां इसका रीजन भी लिख लो, जहां ए रिलेशन बी डबल इंप्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो। ये वाला काम होता है आपका उसमें रिलेशन के लिए। एक बंटनात्मक पूरित जालक है, एक बंटनात्मक पूरित, बंटनात्मक पूरित जालक है, यानी इस वाले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना है, आपको तो ये दिखाना है कि ये वाला पार्ट कि एक बोलिए बीजगणित तो दिया हुआ है, कि एक बोलिए बीजगणित तो है भाई, बोलिए बीजगणित तो है। अगर बोलिए बीजगणित है तो उसकी चारों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। चारों प्रॉपर्टी कौन कौन सी, बोलो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करेगा वो, क्रम विनिमय नियम के बाद में बंटन नियम का भी पालन करेगा, फिर साथ में पूरकता नियम का भी पालन करेगा, और तत्समक अवयव उसका भी पालन करेगा। अब बोलिए बीजगणित में तत्समक अवयव जो होते हैं वो योग तत्समक अवयव तो शून्य,
और गुणन तत्सम अवयव क्या होता है एक, उन सबका सेटिस्फाई करता है। आपको तो ये दिखाना है कि कोई बोलिए बीजगणित है, और अगर बोलिए बीजगणित है और साथ में देखो ये रिलेशन भी डिफाइन है इसके साथ में, और रिलेशन का काम क्या होता है कि ए डॉट बी डैस इक्वल टू जीरो संबंध, ठीक है। तो एक बंटनात्मक पूरित जालक है, यानी जो बोलिए बीजगणित है, अगर बोलिए बीजगणित है तो वो बंटन नियम और पूरकता नियम जालक के लिए भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये दो चीज अपने पास में है, इन अपने को सिर्फ और सिर्फ देखो दो ही नियम ही लेना है, एक तो लेना है बंटन नियम और एक लेना है आपको पूरकता नियम। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि जो दिया है, तो आपके पास में दिया हुआ क्या है, दिया है बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट जीरो वन, एक बोलिए बीजगणित है, ये वाला पार्ट तो दिया हुआ है, बोलिए बीजगणित है। तो अगर बोलिए बीजगणित होगा तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना इसमें अपन दो ही नियम को ही लिख रहे हैं, एक तो अपन लिखना चाह रहे हैं बंटन नियम को और एक लिखना चाह रहे हैं अपन किसको, पूरकता नियम को। दो ही नियम तो है आपके पास में, क्योंकि दो के लिए ही दिखाना देखो जालकता वाली प्रॉपर्टी है। तो सबसे फर्स्ट नंबर ये लिख रहे हैं अपन कौन सा, बंटन नियम, बंटन नियम। नियम तो वो दोनों भी सेटिस्फाई करवाएंगे लेकिन उन दोनों से मतलब नहीं, अपने को दो कौन कौन से बच गए, बोला तत्समक बच गया और एक बच गया क्रम विनिमेयता, वो अपन नहीं लेके चल रहे। बंटन नियम, तो बंटन नियम के दो पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट तो ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू होता है ये क्या, ए प्लस बी और फिर डॉट ए प्लस सी, और इसी का जो बी पार्ट है वो बी पार्ट क्या है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी। ये आपके पास में जो नियम है आराम से देख लो, ये जो नियम है आपके सामने ये कौन सा नियम है, बंटन नियम। ये जो नियम है आपके पास में किसके लिए है, बंटन नियम, ठीक है। और सेकेंड पार्ट और करना है आपको, सेकेंड पार्ट कौन सा है, पूरकता नियम के लिए, तो पूरकता नियम वाला पार्ट भी लिख लेते हैं अपन। पूरकता नियम क्या है आपके पास में, सेकेंड वाला पार्ट वो है आपके पास में पूरकता नियम, तो डाल लिए हेडिंग पूरकता नियम। पूरकता नियम के भी देखो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कि a प्लस ए डैश करोगे तो इसका मान आएगा वन, और इसी के सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, a डॉट ए डैश करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b, और जहां ये भी साथ में लिख देते हैं कि जहां वन क्या है आपके पास में, गुणन तत्समक, वन गुणन तत्समक अवयव तथा शून्य योग तत्समक, योग तत्समक अवयव है, अवयव है। ये सिर्फ और सिर्फ अपन लिखे हैं कि अगर बोलिए बीजगणित है तो बोलिए बीजगणित वाली ये सारी सारी जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करती है, लेकिन अपन चारों में से सिर्फ और सिर्फ दो ही लेके चलने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही से मतलब है कि वो कैसे भी करके बंटन नियम बन जाए और पूरकता नियम बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले ले लिए बंटन नियम ले लिए, और ये ले लिए अपन कौन सा, पूरकता नियम। अब इन्हीं दोनों में अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इन्हीं दोनों में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों पार्ट के अंदर, ठीक है। आ जाओ प्रतिस्थापित करते हैं, प्लस के स्थान पर ये वियोजन यानी वी तथा डॉट, इसको अपन बोलते हैं क्या, गुणन के स्थान पर ये संयोजन, संयोजन प्रतिस्थापित करने पर,
प्रति स्थापित करने पर, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये करने पर, फिर फर्स्ट पार्ट दोबारा, फर्स्ट पार्ट अब क्या बन जाएगा फिर से, बंटन नियम, बंटन नियम, फिर से बंटन नियम लिखोगे, क्या क्या करना है बंटन नियम का, ए पार्ट क्या है आपका इसमें ए, और प्लस, प्लस का काम करेगा ये वियोजन, बी डॉट, डॉट का काम करेगा संयोजन, और सी इक्वल टू क्या बनेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी डॉट, फिर से क्या बनेगा ए प्लस सी, ये तो मिलेगा। बस इसी वाले पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट इसी में प्रतिस्थापित कर दिए, प्लस की जगह तो वी, वियोजन जिसको हम बोलते हैं, और इसकी जगह पर लिखते हैं संयोजन, ये वाला पार्ट बस आपको क्या करना उसके अंदर प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करने देखना ये जालक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाता है। और इसी का जो सेकेंड पार्ट है आपका उसमें बी वाला पार्ट, वो है आपका उसमें क्या है ए डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए डॉट बी, डॉट का काम ये होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, प्लस ए डॉट सी। पहले अपन करते थे इसके अंदर क्या, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू, पहले बी था, अभी दिखाते हैं जालक को जिसका नाम होता है क्या एल, किसको दिखाता है जालक को, जिसको हम बोलते हैं एल से, लेटिस से, तो ये जालक वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसमें किसके लिए, इसका फर्स्ट पार्ट। इसी टाइप से देखो सेकेंड वाला पार्ट पर और चल रहे हैं, सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा इसमें पूरकता नियम, सेकेंड वाला पार्ट को और ले लेते हैं, सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका इसमें पूरकता नियम, पूरकता नियम, बस इन्हीं दोनों में अपने को क्या करना है प्रतिस्थापित करना है। पूरकता नियम का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास में ए पार्ट, ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस तो ये प्रतिस्थापित करना है, ए डैश कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर जालक के अंदर भी होता है इक्वल टू, अभी भी वन ही लिख रहे हैं अपन, बी ए डॉट ए डैश, इसका मन क्या है जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल, जहां वन जीरो क्रमशः जालक के, वन तथा जीरो क्रमशः जालक के, वन वाला काम करता है किसका उच्चक, जालक के उच्चक तथा निम्नक, निम्नक को दर्शाते हैं, वन तथा जीरो जालक में क्रमशः एक तो दिखाता है किसको उच्चक वाले मान को, और एक किसको दिखाता है निम्नक वाले मान को। तो जो भी जालक वाला पार्ट होता है, यानी ये वाला जालक वाला पार्ट है, तो इसके बाद दो बाउंड निकालेंगे, वन वाला पार्ट और जीरो वाला मान, जो एक वाला मान तो दिखाएगा उच्चक वाले मान को, और एक दिखाता है किस वाले मान को निम्नक वाले मान, ठीक है। तो यही देखो बंटनात्मक पूरित जालक है, अतः बी एक बूलिय बीजगणित है, बूलिय बीजगणित है, है तो यह बंटनात्मक, बंटनात्मक पूरित जालक, बंटनात्मक पूरित जालक होता है। होता है बाकी कोई बूलिय बीजगणित है तो क्या होता है बंटनात्मक पूरित जालक, ठीक है। अब देख लो जो नेक्स्ट वाला जो थ्योरम हमारे पास में है वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई बंटनात्मक पूरित जालक है तो क्या वो बूलिय बीजगणित होगा,
नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हमारे पास में ये लिखेंगे अपन कि वो बंटनात्मक पूरित जालक है तो क्या वो बूलियन बीजगणित होगा। तो ये पार्ट तो अभी भी अपन देखेंगे, दो पार्ट तो भाई बूलियन बीजगणित में बंटन नियम और पूरकता नियम का पालन तो करता ही करता है, दो पार्ट तो अपन इस थ्योरम से लिखेंगे, बाकी जो दो पार्ट बच गए क्रम विनिमयता नियम और उस वाले पार्ट को अपन उस तरीके से दिखा देंगे जैसे अभी अपन लिखाए हैं। इस वाले के अंदर तो प्लस के स्थान पर डॉट के स्थान पर रिप्लेस किए हैं, बाद में किसके स्थान पर करेंगे, इसके स्थान पर अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, प्लस से, और इसके स्थान पर आप रिप्लेस कर देंगे डॉट से, तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट पा जाओ। थ्योरम, प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक एल लेस देन इक्वल टू, यानी रिलेशन जहां जीरो नॉट इक्वल टू एक, एक बोलिए बीजगणित, स्ट्रक्चर है आपके पास में लेटिस वाला पार्ट, एल वियोजन संयोजन कॉम्प्लीमेंट जीरो वन, बोलिए बीजगणित परिभाषित करता है, ये वाला पार्ट देखो आपको दिखाना है। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, किसको परिभाषित करता है, इस वाले पार्ट को परिभाषित करता है, ई वाला पार्ट जो आपको दिखाना है। ठीक है, अब इस वाले थ्योरम के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्या आपको लेकर के आना है, वो सबसे मेन चीज है। क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट देखो कितना है, ये आरयू के अंदर जो पूछा हुआ है ये आपके पास में 9, 13, 15, 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम का स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है ये, स्टेटमेंट ये है इसके लिए कि प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक, यानी अब जो है जालक की दो प्रॉपर्टी तो दे दी आपके पास में कि बंटन नियम का पालन कर रहा है और वो पूरकता नियम का पालन कर रहा है। तो ये तो भी अपन जस्ट पहले वाले थ्योरम ये देखें अपन कि कोई बोलिए बीजगणित जो होता है वो बंटनात्मक पूरित जालक होता है। अगर बंटन नियम और पूरकता नियम जालक में है तो किसको परिभाषित करेंगे, बोलिए बीजगणित के दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी देखो अपने आप ही, बाकी जो दो प्रॉपर्टी बची गई वो दो प्रॉपर्टी अपन पहले जालक के लिए तो लिखेंगे और उस जालक वाले पार्ट में अपन रिप्लेस करेंगे इस वाले पार्ट से। जालक के लिए तो लिखेंगे अपन और जालक वाले पार्ट में रिप्लेस करेंगे अपन इस वाले पार्ट से, किस वाले पार्ट से रिप्लेस करके उसको अपन क्या दिखाएं। क्लियर है, देखो ध्यान से इस वाले पार्ट को दिखाने के लिए
देखो प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक बोलिए बीजगणित दिखाता है, तो ये तो अपन डायरेक्ट लिख ही देते हैं थ्योरम से ही कि हम जानते हैं कि बोलिए बीजगणित एक बंटनात्मक बंटनात्मक पूरित जालक को परिभाषित करता है बोलिए बीजगणित एक बंटनात्मक पूरित जालक को परिभाषित करता है, ये सवाल क्या होगा? वाइस वर्षा भी ट्रू रहेगा, ये वाला पार्ट है तो भी वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट ही होगा। और आपको क्या दिखाना है? बोलिए बीजगणित वाले पार्ट को तो दिखाना है, तो यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा यानी बंटन नियम, तो वो अपन लिख लेते हैं बंटन नियम। और बंटन नियम क्या होता है आपका, इसमें किसके लिए लिखना है? देखो ध्यान से, बोलिए बीजगणित लिखना है आपको, बोलिए बीजगणित लिखना है, थ्योरम को अपन काम में ले लिए, डायरेक्ट बोलिए बीजगणित, इसमें जालक से मतलब ही नहीं है। तो बंटन नियम ए पार्ट है इसका, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और इसी का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी। ये तो हो गया प्रश्न किसके लिए? बंटन नियम के लिए, ये तो है ही, तो इसके अंदर आपको रिप्लेस वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट क्या होगा इसमें, दूसरा पार्ट, वो है पूरकता नियम। तो पूरकता नियम में कौन सा पार्ट है आपका इसमें? वही दो पार्ट फिर से, इसका ए पार्ट वो तो क्या है आपका इसमें, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू वन। और इसी का जो बी पार्ट है वो है ए डॉट ए डैश इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी जहां वन तथा जीरो बूलिए बीजगणित में गुणन तत्समक तथा गुणन तत्समक और दूसरा पार्ट कौन सा? योग तत्समक अवयव को परिभाषित करता है यानी वन वाला जो पार्ट होता है ये तो होता है आपका इसमें गुणांतत्समक, और जो जीरो वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? योग तत्समक, उसको परिभाषित करता है। यानी दो पार्ट तो अपन देखो, अपने ये दिखाना था कि बोलिए बीजगणित है या बोलिए बीजगणित को परिभाषित नहीं करता है, तो दो पार्ट तो अपन दिखा दिए। अब दिखाने किसको है? बोले जालक को दिखाना है बोलिए बीजगणित में, तो जालक वाले में दो प्रॉपर्टी तो अपन लिख चुके हैं। बोले दो प्रॉपर्टी जो और बच गई, वो दोनों प्रॉपर्टी कौन कौन सी बच गई? तो अपन अब ये दो पार्ट तो हो गया जालक के लिए, और फिर नीचे अपन लिख रहे हैं कि जालक वाला जो पार्ट होता है ये ध्यान रखना, जालक वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी बोलिए बीजगणित की तरह चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। पहले क्रम विनिमय नियम, फिर अपन बंटन नियम, पूरकता नियम तो लिखेंगे नहीं, फिर अपन डायरेक्ट कौन सा लिखेंगे? तत्समक। दो ही पार्ट तो लिखना है अपने वो लेकिन किसके लिए लिखना है? जालक के लिए लिखना है, और जालक वाले को चेंज किस में करना है? बोलिए बीजगणित के अंदर, ठीक है? तो जालक की परिभाषा से अपन लिखना चाह रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट, क्रम विनिमय नियम, क्रम
विनिमय, क्रम विनिमय नियम। अक्रम विनिमय नियम के लिए इसके भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, अब इसको एक ही नाम क्यों दिया अपन, इसमें अपन दो प्रॉपर्टी लिखेंगे, उनको अपन जब चेंज करेंगे उनको अपन थर्ड फोर नाम दे देंगे, तो वन टू तो है ही और दो प्रॉपर्टी और आ जाएगी, तो वन टू थ्री फोर से मिलकर बना देगा वो बूलिय बीजगणित की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रम विनिमयता नियम, इसके दो पार्ट है क्रम विनिमय नियम के। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो है ए प्लस बी करो, तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, और इसी का जो बी वाला पार्ट है वो ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो। तो यहाँ पे ए और बी ये बिलोंग करेगा किसके अंदर? एल, लेटिस में, जालक में क्या करेगा? ये बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हो गया बस किसके लिए? क्रम विनिमयता नियम। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला पार्ट और लिख लेते हैं अपन। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा हमारे पास में? सेकेंड नंबर का पार्ट, इसका सेकेंड। बंटन नियम हो चुका है, पूरकता नियम हो चुका है, तत्समक एक कमी है, तो एक अभी फिर से हम लिख लेते हैं, तत्समक, तत्समक नियम या तत्समक अवयव, एक ही चीज है, तत्समक नियम। इसके भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो आपका इसमें क्या है कि पहले अपन करते थे a प्लस जीरो, तो a बनाते थे बूलिय बीजगणित में, तो प्लस का काम यहां भी ये करेगा, जीरो इक्वल टू बनाएगा ये a। दूसरा पार्ट था वो a डॉट वन, तो भी क्या बनाएगा? वो a ही बनाएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू l, यहां वन तथा जीरो जालक में क्रमशः, वन तथा जीरो जालक में क्रमशः उच्चक तथा निम्नक, उच्चक तथा निम्नक मान को दर्शाता है, निम्नक मान को दर्शाता है। वन तथा जीरो जालक में क्रमशः उच्चक मान और निम्नक मान को दर्शाता है, और ये दोनों को, दोनों जो पार्ट है ये अपन लिखे हैं जालक के लिए। अब इन दोनों पार्ट में अपन रिप्लेस करेंगे, तो थर्ड वाले पार्ट में यानी एक इस वाले पार्ट में और एक इस वाले पार्ट में, इन दोनों पार्ट में हम रिप्लेस करेंगे। किस किस से रिप्लेस करेंगे? तो वही वियोजन की जो रिप्लेस करेंगे अपन प्लस से, और डॉट की जो रिप्लेस करेंगे हम किससे? संयोजन वाला पार्ट को करेंगे डॉट से रिप्लेस। तो अब इसी वाले पार्ट को अपन लिखना चाह रहे हैं, देखो क्या लिखोगे, वी तथा संयोजन के स्थान पर प्लस तथा डॉट प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित एक तथा दो में करने पर, एक तथा दो में करने पर, एक और दो दोनों पार्ट में करेंगे अपन, दो में करने पर अब ये वन और टू जो बनेगा इसको नाम देते हैं थर्ड नाम देते हैं, इसको ध्यान से देखना, इसको अपन नाम हम दे रहे हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि अपने मन से दे रहे हैं, जब रिप्लेस करेंगे तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ नया मान मिलेगा, इसको अपन नया नाम दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं थर्ड नंबर, और थर्ड से ये फिर मिल जाएगा आपका इसमें क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के भी देखो दो पार्ट है, एक तो है फर्स्ट वाला पार्ट, वो था वास्तविक क्या, ए अपन जाएगा ये प्लस बी इक्वल्स टू रहेगा ये बी प्लस ए, और इसी का दूसरा पार्ट क्या रहेगा, अब ए डॉट बी इक्वल्स टू रहेगा ये बी डॉट ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, ये बन गया। देखो आपका कौन सा नियम?